दी 10 रुपए दे दे, बहुत भूख लगी है। एक सेकेंड। हाँ तो मैंने कहा था, तुम्हारे पास लैपटॉप कहाँ से आया? वो तुम्हारे दिए हुए 10 रुपए मैंने स्टॉक्स में लगा दिए। भाई पहली बात तो ये बता दे कि आखिर ऐसा कौन सा स्टॉक मार्केट है जो 10 रुपए देते ही 50,000 रुपए दे दे रहा है लैपटॉप खरीदने के लिए। अरे आप 4 लाख के शेयर खरीद के 8 लाख के बेच दो। और भाई तू तो अभी तक वहाँ 10 रुपए मांग रहा था, तो तूने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाया कैसे? ना ही वहाँ कोई तेरा दोस्त है जो तुझे अपना फोन दे, और ना ही तेरे पास खुद स्मार्टफोन है जो तू स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए। बिल गेट्स की वीडियो कॉल आई है सर। हे बिल, हाउ आर यू? सर आप खाने में क्या खाएंगे, कॉन्टिनेंटल या इंडियन? आज इंडियन खाते हैं। इतना सब कुछ कैसे? ये बता तूने ऐसे कौन से स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हैं जो कि तेरा पैसे डालते ही डबल कर दे रहे हैं? भाई चलो एक वक्त को तो मान ही लिया कि तेरे पैसे डबल पे डबल होते जा रहे हैं, तो मान लिया कि तू अमीर बनता जा रहा है, लेकिन भाई ये बता तू सेकंडों में कपड़े कैसे बदल रहा है, और ये टेबल उबल और लैपटॉप ला के दे कौन रहा है? और भाई एक बात बता कि जब तू इतना बड़ा आदमी बनी गया है तो तू यहाँ रोड पे काम क्यों कर रहा है बैठ के? तुझे तो बढ़िया ऑफिस में या घर में बैठ के काम करना चाहिए आराम से, एसी में। कुछ तो क्रिंज हटा दो अपनी वीडियो से, तुम्हारी वीडियो से अच्छी तो मुझे उसकी वीडियो लगती है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, उसमें वो भी यही काम करता है, बस उस लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया होता है इस वजह से। भाई वो भी यही काम करता है, लेकिन उस लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया रहता है उसकी शक्ल की वजह से, और इस लड़की ने तुझे 10 रुपए दे के तुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कम से कम उसे जॉब ही पे रख ले अपने साथ। और भाई अब तो तू लाखों में डील कर रहा है, तो अब तुम्हें उसे और अब तुमने उससे जो 10 रुपए लिए थे उसे तुम्हें ब्याज के साथ 10,000 रुपए करके लौटा देना चाहिए।